प्रदेश में लगातार चल रहे के बाद एक पुलिस एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड अपराधियों का खौफ जनता के दिल से खत्म होता जा रहा है। अब हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने हर जिले की पुलिस से तालमेल बनाकर मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए कमर कस ली है। पानीपत जिले में लगभग 29 मोस्ट वांटेड हैं, इनमें से कुछ तो 20 साल से फरार हैं और कुछ को पिछले कई सालों से पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ पुलिस से तालमेल बढ़ा चुके हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन भी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए यह गंभीर मामला है और इसे ठीक किया जाए। इधर पानीपत जिले में नेशनल और स्टेट हाईवे को आगमन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। ये अभी जो बड़े गैंगस्टर हैं जिनके पीछे हम लगे हैं, वो 20 हैं जिनको कि हम बड़े गैंगस्टर मान रहे हैं, उनको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे लिस्ट काफी है तो उसको धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे।